अरे ये क्या भाई, इस कुएं में कूदने जा रहा है भाई। नहीं 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 वो कूद गया जे, तो चलो पास चल कर देखते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा अगला ब्लॉग नूरपुर फोर्ट का रहेगा, तो आज मैं जा रहा हूँ नूरपुर फोर्ट। तो चलते हैं फिर नूरपुर फोर्ट की तरफ। तो गाइस अभी हम गवर्नमेंट आईटीआई नूरपुर के पास पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर बाद हम नूरपुर फोर्ट पहुंच जाएंगे और मैं इसी आईटीआई में पढ़ता हूं। तो गाइस ये है हमारा प्यारा सा शहर नूरपुर। काफी सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है जहां से। तो गाइस ये है नूरपुर की गलियां, जो कि बहुत लंबी है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए यहां का नाम लंबी गली रखा गया है। और अभी हम थोड़ी देर में नूरपुर फोर्ट पहुंचने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहना। तो फ्रेंड्स अभी हमने बाइक पार्क कर दी है, तो हम अब चलते हैं फोर्ट की तरफ। तो ये है मेरा फ्रेंड अमित कौशल, जो कि मेरे साथ आया है। तो गाइस नूरपुर फोर्ट के बाहर पार्क में ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बन रही है। और ये फोर्ट के बाहर बड़ा सा तालाब है, इसमें मछलियां भी रहती है। तो फ्रेंड्स वो रहा नूरपुर फोर्ट, तो अभी हम जहाँ पे जाएंगे। तो गाइस हम नूरपुर फोर्ट में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। ये है फोर्ट का मेन गेट और अभी हम फोर्ट के अंदर जा रहे हैं, जहाँ की एक अच्छी बात यह है कि इस फोर्ट के अंदर जाने की कोई टिकट नहीं लगती और यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस जगह का नाम पहले धबड़ी था और नूरजहाँ के आने के पश्चात इस मनमोहक क्षेत्र का नाम नूरपुर पड़ा, और जहाँ के राजा जगत सिंह थे। तो गाइस अभी हम इस साइड चलेंगे। यहाँ पे ये एक अच्छी लोकेशन है फोटोशूट और वीडियो वगैरह बनाने के लिए। और ये है बड़ा सा कुआं, इसके ऊपर जाली लगा दी गई है ताकि कोई इसके अंदर गिर ना जाए। तो गाइस यहाँ पे कुछ रहस्यमय चीज़ें मिली है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दीवारों पर जो आकृतियाँ बनी हुई है,
उनके सभी मूर्तियों के सिर हटा दिए गए हैं और ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों हटा दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता दीजिए। तो गाइस अभी हम इस फोर्ट के ऊपर वाली साइड चढ़े हैं जहाँ पर काफी सारे लोग फोटो शूट वगैरह करते हैं। और यहाँ से पहाड़ों का काफी सुंदर नजारा दिखाई देता है। तो गाइस ये है नूरपुर फोर्ट का POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू सनसेट। तो फ्रेंड्स इस साइड के जो किलों की दीवारें हैं वो युद्ध के समय टूट फूट चुके हैं, तो आने वाले समय में शायद यहाँ की रिपेयरिंग की जाएगी। यहाँ के किलों के टूटने के बावजूद भी यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये है फोर्ट के अंदर सबसे सुंदर और सबसे प्यारा श्री ब्रजराज स्वामी श्री कृष्ण जी का मंदिर। तो फ्रेंड्स ये जो आपको ऐतिहासिक मोर्चरी का पेड़ दिखाई दे रहा है यह 400 साल पुराना है। अभी के समय में यह सूख गया है इसलिए इसको काट दिया गया है और इस मोर्चरी के पेड़ से 3-4 पौधे और तैयार किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और गाइस यहाँ के पंडित और यहाँ के लोगों ने इस मंदिर को काफी साफ सुथरा रखा है। तो अभी हम मंदिर के ऊपर वाली साइड जा रहे हैं। राधे राधे। तो गाइस ये है श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति, काफी अच्छे से मूर्तियां सजाई हुई है। इस मंदिर के नीचे वाली साइड में काली माता का मंदिर है और अभी हम उस साइड जाएंगे। ये रहा काली माता का मंदिर। तो गाइस इस फोर्ट में दशहरा और जन्माष्टमी भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत दूर दूर से लोग जहां दशहरा और जन्माष्टमी देखने के लिए आते हैं।
तो यहाँ एक सितारे के आकार में बड़ा सा कुआं है, तो चलो इसके पास चलते हैं। अरे ये क्या भाई, इस कुएं में कूदने जा रहा है भाई। नहीं 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 नहीं, वो कूद गया ये तो। चलो पास चलकर देखते हैं। तो गाइस हम मजाक कर रहे थे, आप बोर ना हो जाओ, इसलिए हमने थोड़ा सा फनी टाइप वीडियो शूट कर लिया। तो गाइस इस स्पॉट के अंदर ये एक बड़ा सा तालाब है जो अभी सूख गया है, और इस तालाब का काम भी चला हुआ है। तो गाइस जो मैंने पहले बताया था वो नूर फोर्ट के बाहर था और ये फोर्ट के अंदर है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान जी बचपन में वृंदावन में गायों को चराया करते थे और उनको गौ माता से बेहद प्रेम था, तो इसलिए शायद जहाँ पे ये गायें घास चरने के लिए आती है, काफ़ी सारी गायें यहाँ घास चरने के लिए आती है, और यहाँ पे छोटा सा स्कूल भी है। गाइस अब हम ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हम घर को जा रहे हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।